लेकिन शनिवार इतवार में ज्यादा भीड़ होने की संभावनाएं हैं। यार तुम्हारा शहर में ना हम आए और लुटे गए यार। चीज और पूछ रहे थे कि नैनीताल आने का बेस्ट समय कौन सा होता है। हे गाइस, क्या हाल है सभी का। आई होप यू ऑल आर गुड। सो वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल में किस तरीके का मौसम रहने वाला है नैनीताल का, और साथ ही साथ हम बात करेंगे किस तरीके होटल रेट रहने वाले हैं अगर आप अप्रैल में आने का प्लान है तुम सभी का। तो इसी पर चर्चा करते हैं, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभी मैं हूँ मल्लीताल वाला एरिया, ये रही मॉल रोड की शुरुआत। अगर आज के वेदर की बात करते हैं तो फिलहाल अभी हो रहा है 18 डिग्री के आसपास और शाम को जा रहा है 8 डिग्री के आसपास। आज खैर बहुत बढ़िया मौसम रहा है, लेकिन आने वाले दो दिन यहाँ पर रेनफॉल बता रखी है। लेट्स सी क्या रहता है माहौल। बात करते हैं अप्रैल में किस तरीके का मौसम रहने वाला है। तो देखो, अब तो खैर बारिश का तो मतलब ही नहीं बनता, अब तो बढ़िया धूप मिलने वाली है, बढ़िया वेदर होगा। नैनीताल आने का प्लान कर रहे हो ना, तो शाम को एक चीज़ बता दूँ कि यार आपको ना एक स्वेटर तो चाहिए ही एटलीस्ट, क्योंकि शाम को नैनीताल में ठंड हो ही जाती है। तो ये जो एरिया है ये पंत पार्क के अंदर आ गया हूँ। अभी कुछ दिनों बाद ये जो फव्वारा दिख रहा है ना, ये भी रेडी हो जाएगा, मतलब चालू हो जाएगा। ये मतलब साल भर में सिर्फ एक या दो महीने के लिए ही चलता है, तो ये भी एक आकर्षण का केंद्र रहता है। लाइट आइटें लगाई रखी हैं, जैसे ही थोड़ी गर्मी और शुरू हो जाएगी फिर इसमें भी पानी दिखेगा, अभी तो खाली पड़ा हुआ है पूरा। तो यहाँ पर लगती है फुटपाथ पूरा 4 बजे से 6 बजे तक की इसकी टाइमिंग होती है। फिलहाल अभी हम लेक साइड की तरफ को चल रहे हैं, फिर होटल रेट के ऊपर भी बात करेंगे अप्रैल में किस तरीके के होटल रेट मिलेंगे। वैसे भीड़ तो खैर आज भी दिख ही रही है, लेकिन शनिवार इतवार में ज़्यादा भीड़ होने की संभावनाएँ हैं। बट सैटरडे को क्या है कि बारिश पड़ने वाली है। लेट्स सी क्या होता है मौसम। खैर यहाँ का कुछ समझ में तो आता नहीं है। तो आ चुके हैं हम लेक साइड, ये मल्लीताल वाले जो बोट्स हैं ना वहीं पर हूँ मैं, और काफ़ी बोट्स दिख रही हैं। तो शहर में टूरिज्म भी अच्छा है, और एक महाशय हमें दिखे हैं, कबूतर महाशय दाना चुगते हुए। स्वीट कॉर्न अभी ये खा रहा था, फिर साइड में को हो गया है। इससे पूछें इसे नैनीताल कैसा लगता होगा। अच्छा कबूतर साहब सुनो, तो ये तो साइड हो गया यार, कह रही है सुनना ही नहीं चाह रहा है। चलो कोई बात नहीं, एज यूजुअल इसने निगलेक्ट कर दिया है। चलो थोड़ा होटल रेट्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि किस तरीके के होटल रेट्स रहने वाले हैं। लाइक अभी तक तो होटल रेट्स सामान्य ही चल रहे हैं। देखो दो चीज़ें हैं, एक तो लाइक जो लोग ऑनलाइन ढूंढते हैं नैनीताल के होटल्स, उनको ना थोड़े से ज़्यादा ही दिखेंगे। लाइक जो होटल होगा 2000 रुपये का, वो कम से कम 4000 रुपये के आसपास या 3-3500 रुपये के आसपास होटल रेट दिखाता है ऑनलाइन, वही सेम कमरा। अगर आप ऑफलाइन आते हो और यहाँ पर भीड़ ज़्यादा नहीं है, तो वही कमरा 2000 रुपये में, 1800 रुपये में या इतने 2200 रुपये में मिल जाता है। अगर हम स्पेसिफिक मॉल रोड की बात करते हैं, तो अप्रैल में ना थोड़े से रेट इंक्रीज़ हो जाएंगे। लाइक जो 1500 रुपये का होटल मिल जाता है रूम, वो 2000 रुपये के आसपास मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ पर सीज़न ना शुरू हो चुका है। तो होटल थोड़े से ज़्यादा महंगे होने लग जाएंगे, क्योंकि अब अप्रैल शुरू हो चुका है, सीज़न शुरू हो चुका है, और ये जुलाई तक तो रहता है यहाँ पर सीज़न। तो भीड़ भी ज़्यादा आएगी, तो आने वाले दिनों में ये चीज़ें भी होंगी कि अगर आपकी ऑनलाइन होटल बुकिंग नहीं है तो आपको शहर के अंदर भी नहीं आने दिया जाएगा। ये मतलब ये नहीं है, एक महीने बाद के बाद की बात है। मैं चिल्ड्रंस पार्क में हूँ और यहाँ पर बच्चे दिख रहे हैं झूलते हुए। बाकी क्या है कि ये बंद ही कर रखा है, और बंद करने का रीज़न भी एक ये रहा, रीज़न जो है ये है यार, ये पता नहीं कब सही होगा, पता नहीं, भगवान जाने ये अब जगह कब सही होगी। बाकी दो मुझे कौवे दिख रहे हैं बैठे हुए उदास, क्योंकि यहाँ पर कोई है ही नहीं यार। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हलचल रहती थी, चहल पहल रहती थी। ये रहा हमारा बैंड स्टैंड, ये ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है, कोई घुस ही नहीं सकता यार, जब से बैरिकेडिंग कर रखी है। सिर्फ इसके कारण, ये है कारण सबसे बड़ा, जब तक ये सही नहीं होता इस जगह पर जा ही नहीं सकता कोई। आगे क्या है कि भीड़ भाड़ दिख ही रही है, सामने आके जूम लैंड भी है, जूम लैंड के अंदर स्नूकर कर खेलना है, या यहाँ पर को थोड़ा चाय पीने का सीन है। देखो इस तरीके से 100-150 रुपये में घुमाते हैं, मतलब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा राउंड नहीं होता है। ऐसे में ना एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम फिर किस तरीके से हैं, क्या ऑनलाइन बुकिंग करके आएँ होटल की, या ऐसे ही यहाँ आके सेफ रहेगा। लेकिन अगर सेफ्टी पर्पज़ देखो ना, तो यार आप ऑनलाइन बुकिंग करो, पैसे ऐसे हैं तो ठीक ही है, मतलब अदरवाइज मत लेना मुझे। अगर सेफ्टी चाह रहे हो तो ऑनलाइन बुकिंग करके ही आ जाओ, नहीं तो यहाँ पर होटल यार बहुत सारे हैं नैनीताल शहर में ना, बहुत ज़्यादा होटल हैं। मॉल रोड में भी आपको सही रेट पे होटल मिल जाएगा, अगर आप वीकेंड पे भी या शनिवार इतवार भी आते हो ना, तब भी ऐसी कोई दिक्कत तो होगी नहीं कि आपको होटल मिल ही नहीं रहा है। मतलब जो ऑनलाइन से तो कम रेट पर थोड़ा बहुत सर्च करना पड़ेगा और होटल इजीली मिल जाएगा, ऐसी कोई भयानक नहीं होता यार होटल मिल ही नहीं रहा, हम परेशान हो गए, ऐसा वाला सीन नहीं होता है। तो हम लोग मॉल रोड की तरफ को आ गए हैं, अभी फिलहाल मैं अपर मॉल रोड में हूँ, और यहाँ से होटल शुरू हो जाते हैं। लाइक केपरी हो गया, होटल फ्लैटीज हो गया, सरोवर हो गया, हारमोनियल हो गया,
यहीं से आगे को जाके होटल ही होटल है। पूरे मॉल रोड में ना बहुत सारे होटल्स मिलेंगे। मुझे एक क्वेरी ये भी आ रही थी ना, कुछ एजेंट थे शायद वो, उन्होंने ये बोला कि यार हमें कोई ऐसा होटल बता दो कि हमको सीढ़ियां ना चढ़ने पड़े। तो लाइक एक तो चन्नी राजा है, उसके मतलब घुसते ही आपको रूम मिल जाएंगे। एक तलीताल में 3-4 ऐसे होटल्स हैं कि आपको लगभग ऐसे होटल मिल जाएंगे जिन मतलब आपको सीढ़ियां नहीं चढ़ने पड़ेगी। नहीं तो अमूमन क्या है कि लाइक देखो इस टाइप के फ्लोर बने हुए दिख रहे हैं ना, ये सारे होटल हैं, इनकी सीढ़ियां चढ़ोगे तब जाके आपको होटल मिलेगा। ये जो अपर मॉल रोड है ये ना शाम को 6 बजे से 8 बजे तक वैसे बंद रहती है वॉकिंग के लिए। पहले ऐसा करते हैं रोड क्रॉस कर लेते हैं यार, फिर बात करेंगे। तो रोड क्रॉस कर ली, हाँ। तो शाम को 6 बजे से 8 बजे तक का बंद रहती है घूमने उमने के लिए, गाड़ियाँ कोई नहीं चलती। लेकिन ये जो लोअर मॉल रोड है वो खुले रहती है, वो गाड़ियों की आवाजाही तो खैर रहती है, लेकिन ये सीन है कि भाई दोनों वन वे है, वो भी वन वे है, ये भी वन वे। यहाँ से गाड़ियाँ आगे को जाती हैं, वहाँ से आगे को आती हैं, लाइक तलीताल से मल्लीताल की तरफ को, मल्लीताल से तलीताल की तरफ को। तो अप्रैल में नैनीताल की तरफ बहुत से लोग कूच करेंगे। तो एक और चीज़ है कि खाने पीने का क्या सीन है, तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि नैनीताल पे मतलब फेमस रेस्टोरेंट कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर लाइक जो सस्ता खाना चाहता है उसके ऊपर भी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है। 60 रुपये थाली से लेकर मतलब सही मतलब रेट 100 रुपये थाली या अलग अलग रेट जो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं सारे उसमें कवर कर रखे हैं। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो वीडियो जाके देख लो। जब बहुत से व्यूअर्स थे ना एक चीज़ और पूछ रहे थे कि नैनीताल आने का बेस्ट समय कौन सा होता है, तो लाइक यार मैं तो ये बोलूँगा ना कि आप ज़्यादा झंझट में नहीं बढ़ना चाहते हो तो आप मार्च में आओ, सबसे बढ़िया रहता है। ना ही ज़्यादा ओवर एक्सपेंसिव रेट रहते हैं, मतलब भीड़ भी ज़्यादा नहीं होती। अब क्या यहाँ पर सीज़न शुरू हो चुका है तो अब तो तगड़ी वाली भीड़ मिलने वाली है और आने वाले दिनों में तो और ज़्यादा बेकार माहौल हो जाता है यार, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है ना। और बाकी क्या, अगर स्नोफॉल देखनी है तो यार जनवरी फरवरी यही रहता है टाइम, जनवरी या फरवरी। उसके अलावा तो यार फिर नैनीताल में फिर अक्टूबर के टाइम पर आ सकते हो, यहाँ का थोड़ा अच्छा माहौल रहता है। फिर यहाँ तो यार फिर सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, अगर सर्दियाँ झेल सकते हो तो फिर तो यार आ ही जाना। एक चीज़ और है, बहुत से नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं मुझे खास करके, यार तुम्हारा शहर में ना हम आए और लुट गए यार, बहुत ज़्यादा महंगा शहर है तुम्हारा ये जो है। लाइक हमें 100-100 रुपये की मतलब वन ऑमलेट या चाय हमने 50-50 रुपये की पी, इस तरीके की चीज़ें मुझे मतलब लोग टेक्स कर देते हैं। और ये होता है खासकर गर्मियों में। अब ऐसा होता है ना, जिस तरीके से लोग गर्मियों में नैनीताल शहर घूमने आते हैं वैसे ही बिज़नेस करने के लिए भी बहुत से लोग नैनीताल की तरफ कूच करते हैं, तो वो नैनीताल शहर के तो होते नहीं हैं। अगर नैनीताल शहर खास यहाँ के जेन्यून लोगों की बात करें तो वो ऐसे ओवर एक्सपेंसिव रेट में सामान नहीं बेचते हैं, बट जो बाहर से लोग आ रहे हैं बिज़नेस करने आ रहे हैं खासकर, वो यार रेट बढ़ा देते हैं और फिर ट्रैप में फंस जाते हैं टूरिस्ट, और फिर उसके बाद कहते हैं कि नैनीताल शहर बेकार है, यहाँ के लोग बेकार हैं। देखो ऐसा नहीं होता यार, अगर आपको जेन्यूनली नैनीताल घूमना है तो मैं तो कहता हूँ आप यहाँ सीज़न में आओ मत, ऑफ सीज़न में आओ, बढ़िया करके शहर घूमोगे, सही रेट पर हर एक चीज़ मिलेगी, आनंद होगा और भीड़ भाड़ से भी बचोगे। अभी मैं उतर आया हूँ लोअर मॉल रोड में और यहाँ पर एक लौती दुकान है रामलाल एंड रोज़। लाइक अगर आपको ना अंगूरा वूल, पाश्मी वूल और अलग अलग वूल जितने भी होते हैं उसमें अगर इंटरेस्ट है तो भाई यहाँ लग्जूरियस कपड़े अगर खरीदना चाहते हो लाइक। दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। सो एट लास्ट आपको क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो लाल वाला बटन है उसे तोड़ो मोड़ो जोड़ो जो भी करो दबाना जरूर। अगर कोई क्वेरी होगी तो पूछ लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। मिलेंगे आपसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए टरा पिशुम।